स्पाइसेस एक्सपोर्ट। दोस्तों आज स्पाइसेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। स्पाइसेस का जो मेन है वो एक 10-1 प्रोडक्ट ज़्यादा मेन है, उसमें पेपर है, कार्डिमोल है, चिली है, टर्मरिक है, कोरिएंडर है, कुमिन है, सेलेरी है, पिनेल है, ऐसे एक 10 इसमें है। इसमें ज़्यादा जो चलता है, ज़्यादा टर्नओवर होता है, वो चिली का एक ज़्यादा टर्नओवर होता है, बाद में कुमिन का एक अच्छा टर्नओवर होता है, सेलेरी का एक अच्छा टर्नओवर होता है, टर्मरिक का भी अच्छा होता है। तो ये मसाले पदार्थ जो है स्पाइसेस, ये पूरे दुनिया को लगते हैं। उसके कारण इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। हमने देखा अभी पेंडेमिक जो हमारा कोरोना का था, इसमें इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। पूरे वर्ल्ड में ये एक्सपोर्ट होता है और इसके कौन से देश इसके लिए टॉप के हैं अच्छे ये एक्सपोर्ट के लिए, वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें यूएसए एक अच्छा है, इसमें वियतनाम है, मलेशिया है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, यूएई है, यूके है, ये सब देशों में हमारा स्पाइसेस का प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अच्छा होता है, टॉप पे अच्छा होता है। अभी स्पाइसेस जो प्रोडक्शन स्टेट्स है हमारे हिंदुस्तान में, जो स्पाइसेस प्रोड्यूस करते हैं, उसमें ये जो साउथ का बेल्ट है अपना, केरला का कोचीन, एलेपी, ये जो केरला का बेल्ट है, ये चेन्नई का उधर का मद्रास का बेल्ट है, इधर अच्छे होते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में भी मसाले पदार्थ का उत्पादन अच्छा होता है। हमारे शिलोंग बिलोंग जो है वो है, इसमें बहुत सारे हैं। जिंजर का अलग जगह पे है, टर्मरिक का महाराष्ट्र से भी होता है अच्छा, बसमत, हिंगोली, सांगली, यहाँ से बहुत अच्छा टर्मरिक का होता है। कोरिएंडर का जो है वो अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट होता है। कमिन सीड का जो है वो राजकोट है, गोंदल है, ऐसे अलग अलग एरिया है, राजस्थान है, जयपुर है, यहाँ से बरमेर है, यहाँ से अच्छा उत्पादन होता है। दोस्तों गार्लिक जो है, गार्लिक तो लगभग सभी भारत से, पूरे ऑल एरिया से गार्लिक का उत्पादन होता है, तो यहाँ से बहुत सा अच्छा प्रोक्रूट करके हम मसाले पदार्थ का बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसको अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से मसाले बना के भी बेच सकते हैं, या इंडिविजुअली अलग 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 तरीके से भी बेच सकते हैं, और होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा पकड़ के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट एंड यूज़र को भी हम वेबसाइट वगैरह बना के ये सब देश विदेश में बेच सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट रहो, लेकिन आपको दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने का जज्बा चाहिए, और मेरा प्रोडक्ट दुनिया के कोने में जाके वो प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उपभोक्ता को, एंड यूज़र को, कंज्यूमर को आनंद मिलना चाहिए, ये अगर आपका उद्देश्य है तो आपका धंधा अच्छा चलेगा, आपका टर्नओवर अच्छा होगा, और आप भारत के लिए अच्छे स्टार एक्सपोर्टर बनेंगे। दोस्तों आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या क्या नॉलेज ज़रूरी है ये अगर जानना है, तो आप एक वीडियो खास है वो देखिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजमेंट विद ग्लोबल मार्केटिंग, और 13 डेज वर्कशॉप का एक वीडियो है वो देख लीजिए, उसमें बहुत बढ़िया तरह से आपको पूरा नॉलेज क्या क्या चाहिए पता चलेगा। आपको मैं विदेश व्यापार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यहां पे रुकता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।